मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन। निवडणूक जाहीर झाली, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली। बेळगावची निवडणूक म्हणजे उमेदवारांना आहे आमदार होण्याची घाई। मतदारांसाठी अस्मितेचा प्रश्न आणि अस्तित्वाची लढाई। निवडणुकीच्या या रणधुमाळीचे चित्रण खास तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत स्मार्ट न्यूज मधून, खास तुमच्या भेटीसाठी। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन, आपल्या लाडक्या चॅनलवर बघत रहा स्मार्ट न्यूज। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की आलोचना की, कांग्रेस से भ्रष्टाचार का अभिन्न अंग है। मेट्रो रेल पटरियों पर नहीं बल्कि पानी पर चलेगी। विकास कार्यों के मुद्दे पर बीजेपी की जीत तय है। पूर्व मंत्री डीबी इनामदार का निधन। अमर येलुरकर को आरती करके दी शुभकामनाएं। ईश्वर अप्पा का एक बार फिर विवादित बयान। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो, आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000 अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. विस्तार से। कांग्रेस भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार कांग्रेस है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का एक अभिन्न अंग है और भ्रष्टाचार के बारे में बात करना हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मजाक उड़ाया। बेलगाम दक्षिण के उम्मीदवार अभय पाटिल और बेलगाम उत्तर के उम्मीदवार डॉक्टर रवि पाटिल समेत अन्य प्रत्याशियों के प्रचार की चर्चा की। उन्होंने भाजपा की जीत को लेकर भी मार्गदर्शन किया और फिर शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कल से शुरू हुए भाजपा के जय वाहिनी रोड शो कार्यक्रम को जनता का समर्थन मिला है। लोगों के उत्साह पर नजर डाले तो यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य में भाजपा की लहर है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद राज्य पूरी तरह से भाजपा के स्वामित्व वाला हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव को लेकर कुछ सलाह दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की समीक्षा करने को कहा है। सिद्धरामैया के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया झूठ बोल रहे हैं। मैंने सिद्धरामैया को चुनौती दी, मुझ पर आरोप लगाओ, मुझे इसे साबित करने दो। लोग जानते हैं कि वे सिर्फ मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। सिद्धरामैया के खिलाफ कई मामले दर्ज है। इनके खिलाफ हुए मामलों की लोकायुक्त जाँच भी कराई जा चुकी है, बोम्मई ने ऐसा कहा। मेट्रो रेल पटरियों पर नहीं बल्कि पानी पर चलेगी। देश की पहली वाटर मेट्रो आज से केरल में दौड़ेगी। इस परियोजना को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। यह देश की पहली मेट्रो होगी जो पटरियों पर नहीं बल्कि पानी पर चलेगी। यह परियोजना कोची और शहर के आसपास के द्वीपों को जोड़ेगी। यह परियोजना कोची और आसपास के क्षेत्रों के लोगों और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सुरक्षित और सस्ती यात्रा प्रदान करेगी। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 8 इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड बोट से वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। पहले चरण में वाटर मेट्रो हाईकोर्ट वाइपिन
टर्मिनल और मिट्टीला ककनाड टर्मिनल के बीच चलेगी। यात्रियों को हाईकोर्ट वाईपिन टर्मिनल के बीच यात्रा के लिए 20 रुपए और मिट्टीला वक्कनाड टर्मिनल के बीच यात्रा के लिए 30 रुपए का भुगतान करना होगा। यात्री मामूली किराए पर वातानुकूलित जल मेट्रो से यात्रा कर सकेंगे। विकास कार्यों के मुद्दों पर बीजेपी की जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार को विकास का मंत्र दिया है। इसके जरिए आम लोगों को तरह तरह की समस्याओं से निजात मिल रही है, इसलिए राज्य में बीजेपी की जीत तय है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वास जताया कि बेलगाम दक्षिण से चुनाव लड़ रहे अभय पाटिल को इस क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और वह जीतेंगे। उन्होंने मंगलवार सुबह अभय पाटिल के साथ आयोजित पत्रकार वार्ता में अपने विचार व्यक्त किए। अभय पाटिल ने अपने विधायक काल में आम नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करके भाजपा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मतदाताओं को इसका अंदाजा है, इसलिए हम उनकी जीत को लेकर आश्वस्त है। साथ ही पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए अयोध्या में राम मंदिर के कार्य को 24 जनवरी से पहले पूरा करने की बात उन्होंने कही। पूर्व मंत्री डीबी इनामदार का निधन। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीबी इनामदार का निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे थे। इनामदार का मणिपाल अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज विफल होने के कारण आज उन्होंने अंतिम सांस ली। डीबी इनामदार फेफड़े और लीवर की समस्या से पीड़ित थे। इस पृष्ठभूमि में उन्हें बेंगलुरु में मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कित्तूर विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुने गए विधायक इनामदार ने कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री के रूप में कार्य किया। अमर येलुरकर को आरती करके दी शुभकामनाएं। बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार अमर येलुरकर के प्रचार के लिए शहर के मध्य भाग से एक भव्य अभियान निकाला गया। इस अभियान के दौरान अमर येलुरकर का आरती उतारकर स्वागत किया गया। इसलिए माना जा रहा है कि ये कामनाएं समिति की जीत और अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल करने में काम आएगी। समिति का गढ़ रहा इलाका नारों से गूंजता रहा। परिक्रमा कपिलेश्वर मंदिर से शुरू हुई, वहां से परिक्रमा महाद्वा रोड, तंगड़ी गली, संभाजी गली, मराठा गली, तानाजी गली, भांदूर गली, तहसीलदार गली, कांगले गली, पाटिल माला होते हुए शनि मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। पूर्व से यह मोहल्ला महाराष्ट्र एकीकरण समिति के गढ़ के रूप में माना जाता है। अमर येलुरकर की उम्मीदवारी ने एक बार फिर इस क्षेत्र में एक नया जोश भर दिया है। इस क्षेत्र में नागरिकों ने अमर येलुरकर के पैरों पर जल चढ़ाकर और आरती उतारकर उनकी कामना की। वरिष्ठ नागरिकों ने भी उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। ईश्वरप्पा का एक बार फिर विवादित बयान। बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया है कि बीजेपी को एक भी मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने यह बयान कर्नाटक के शिवमोगा में बोलते हुए दिया है। वीरशैव लिंगायत समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उनके साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा भी शामिल हुए। ईश्वरप्पा के इस बयान पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करानी शुरू कर दी है। एक ने सवाल किया है कि बीजेपी के नारे सबका साथ सबका विकास का क्या हुआ। इसके चलते ईश्वरप्पा का बयान विवादित हो गया है। उनके इस बयान को लेकर समाज से नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है
क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम से लगे सीमावर्ती इलाके में प्रचार शुरू हो गया है। चुनाव में पार्टी का सिंबल पाने वाले प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं और मतदाता स्टार प्रचारकों को लेकर उत्सुक है। सीमा क्षेत्र में बेलगाम जिले के चार बहुभाषी मराठी निर्वाचन क्षेत्र बेलगाम उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण खानापुर महाराष्ट्र के नेताओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। इस क्षेत्र के मतदाता हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि कौन सा नेता चुनाव प्रचार के लिए आएगा। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की ओर से स्टार प्रचारक बनने जा रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में फडणवीस के साथ सुभाष देशमुख, गिरीश महाजन, चित्रा वाघ बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही है और ये तीनों फिलहाल सीमा क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। राहुल गांधी ने की बीजेपी की आलोचना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भ्रष्ट भाजपा शासन के केवल अपने दो या तीन दोस्तों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया। वे किसानों, श्रमिकों और छोटे कारोबारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एक ऐसी विकास गाथा लिखने के लिए प्रतिबद्ध है जो सभी के लिए समृद्धि लाएगी। जिले के रामदुर्ग में गन्ना उत्पादन किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायिकों की प्रगति पर निर्भर करती है। भाजपा की जीएसटी जैसी दोषपूर्ण नीतियों से शोषित होने के बजाय किसानों और छोटे व्यापारियों को संरक्षित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। कर्नाटक इस बदलाव को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो राहुल गांधी ने ऐसा कहा। रमाकांत कोंडुस्कर का कल खासबाग पिरनवाड़ी में प्रचार। महाराष्ट्र एकीकरण बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के आधिकारिक उम्मीदवार रमाकांत कोंडुस्कर के प्रचार के लिए बुधवार 26 को खासबाग पिरनवाड़ी क्षेत्र में एक पदयात्रा आयोजित की जाएगी। पदयात्रा सुबह 7 बजे छत्रपति शिवाजी उद्यान से शुरू होगी। मार्च की शुरुआत होसूर, मथगली, बसवान गली, ओंकार नगर, श्रृंगेरी कॉलोनी, टीचर्स कॉलोनी, जोशीमाला, संभाजी रोड, खासबाग से होगी। शाम 5 बजे खदेरवाड़ी गाँव से शुरू होकर जुलूस पिरनवाड़ी गेट से शुरू होगा और पूरे पिरनवाड़ी गाँव के मतदाताओं से मिलकर हुंचनहट्टी और बागमहट्टी गांव जाएगा। पदयात्रा में इस क्षेत्र के दादियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों, पंच मंडली, युवा मंडलों और महिला मंडलों से भारी संख्या में शामिल होने का अनुरोध किया गया है। शहीदों के वारिसों ने दिया आरएम चौगुले को आर्थिक दान। बेलगाम ग्रामीण से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रत्याशी आरएम चौगुले को सीमा युद्ध के शहीदों के उत्तराधिकारियों द्वारा दान किया गया था, जिन्होंने सीमा मुद्दे को जीवित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वारिसों ने अपने वारिसों से समिति प्रत्याशी को समर्थन देने की पहल की, इसलिए इसकी सराहना की जाती है। बेलगुंदी में सीमा पर हुई लड़ाई में 3 शहीद हुए थे। 2 दिन पहले आरएम चौगुले ने बेलगुंदी में प्रचार अभियान निकाला। उस समय शहीदों के वारिसों ने उन्हें प्रचार कार्य के लिए चंदा दिया। कार्यक्रम में शट्टुपा चव्हाण, ज्योतिबा उजगावकर, धुलाजी गावडा, अनुराज गावडा सहित राजू किणेकर, किरण मोटनकर, शंकर चौगले, मारुति शिंदे मौजूद थे। हुबली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन। धर्म के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां सोमवार को आश्वासन दिया कि भाजपा कर्नाटक में मुंबई सरकार द्वारा अपनाए गए आरक्षण फार्मूले को लागू करेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बहुमत या अल्पसंख्यक के आधार पर या योग्यता के आधार पर टिकट दिया है और कहीं भी लिंगायत उम्मीदवार के स्थान पर किसी गैर लिंगायत उम्मीदवार को नहीं दिया गया है। हुबली धारवाड़ ने हमेशा बीजेपी को वोट दिया, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, जो हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे, ऐसा शाह ने कहा। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की आक्रामक रणनीति की योजना। वक्कलिंग और दलित वोटों के समर्थन से आश्वस्त होकर बीजेपी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लिंगायत वोटों से परे पार्टी का विस्तार करने के लिए एक स्मार्ट और आक्रामक रणनीति तैयार की है, जो इस साल कर्नाटक चुनाव में जीत पर नजर गड़ाए हुए है। विपक्षी पार्टियों के वक्कलिंग और दलित वोटों को मात देकर बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की, जो 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.38% अधिक है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।